नमस्कार दोस्तों, ओबीएक्शन टीम की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी लोगों पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिकल क्लेम नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको सही से जानकारी नहीं होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना मेडिकल एक्सपेंसिव का रिम्बर्समेंट क्लेम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, क्लेम फॉर्म कहाँ से मिलेगा और उसको कैसे भरना है, क्लेम फॉर्म सबमिट कहाँ करना है और सबमिट करने के बाद कितने दिन के अंदर आपका क्लेम अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो इन सभी के बारे में हम इस एक ही वीडियो में जानेंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको मेडिकल का क्लेम फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी भरना है। पार्ट ए और पार्ट बी कैसे भरना है इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर भी इसका लिंक दे दूँगा। क्लेम फॉर्म की पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्लेम फॉर्म भरने के बाद आपको आपके डिस्चार्ज समरी की रिक्वायरमेंट होगी। डिस्चार्ज समरी को आप ध्यान रखिएगा, उस पर हॉस्पिटल का साइन और स्टैम्प ज़रूर होना चाहिए और डिस्चार्ज समरी आपकी ओरिजिनल ही होनी चाहिए, फोटोकॉपी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। डिस्चार्ज समरी के बाद आपको फाइनल बिल विद ब्रेकअप की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनल बिल और बैकअप पे हॉस्पिटल के साइन और स्टैंप होने चाहिए और फाइनल बिल और बैकअप भी ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं। और आपको पेमेंट की रिसिप्ट भी सबमिट करनी है। जब आप हॉस्पिटल में बिल पेमेंट करते हैं तो उस समय हॉस्पिटल आपको एक रिसिप्ट देता है, उस रिसिप्ट को आपको ध्यान से अपने पास रखना है, फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और TPA जब भी क्लेम प्रोसेस करती है तो उनको पेमेंट की रिसिप्ट ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है और पेमेंट की रिसिप्ट पे भी हॉस्पिटल के साइन और स्टैंप होने चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट रिसिप्ट अगर आप सबमिट कराते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ध्यान रखें आपको पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो भी आपको ओरिजिनल ही सबमिट करानी है। अक्सर लोगों में देखा गया है कि इमरजेंसी के समय घर का कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पेमेंट कर देता है तो वो रिसिप्ट लेना भूल जाता है या फिर उससे रिसिप्ट कहीं गुम हो जाती है, तो जब वो अपना मेडिकल क्लेम रिइंबर्समेंट अप्लाई करने जाता है तो उस पर रिसिप्ट गुम हो जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल से दोबारा रिसिप्ट का प्रिंटआउट निकलवा लेता है। लेकिन उस जो रिसिप्ट का प्रिंटआउट होता है, अगर आप रिसिप्ट का प्रिंटआउट सेकेंड टाइम अगर हॉस्पिटल से आप निकलवाते हैं तो सेकेंड टाइम वाले प्रिंटआउट में हमेशा डुप्लीकेट ही लिखा आता है और इंश्योरेंस कंपनी या TPA डुप्लीकेट रिसिप्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस कारण भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसमें एक और तरीका है, अगर आपका रिसिप्ट गुम हो गया है तो इसमें एक और तरीके से आप अपना मेडिकल क्लेम रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पेमेंट रिसिप्ट के बाद आपकी टेस्ट रिपोर्ट और फिल्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो आपको उन टेस्ट की रिपोर्ट्स और कुछ टेस्ट की फ़िल्म भी होती है। जैसे अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे की रिपोर्ट और फिल्म दोनों होती है, तो दोनों आपको TPA में या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा अपने रिइंबर्समेंट क्लेम के लिए। कुछ लोग अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फिल्म TPA या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट नहीं कराते हैं, उनका ये कहना होता है कि हमें फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और फिल्म की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फिल्म अगर TPA या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट नहीं कराते हैं तो टेस्ट के रिपोर्ट्स और फिल्म का जो अमाउंट बनता है वो आपको क्रेडिट नहीं होगा, यानी वो अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा, उसके बाद जब आपका क्लेम सेटल हो जाएगा तो आपको TPA या इंश्योरेंस कंपनी में एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट इस ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो TPA आपको सिर्फ आपकी फ़िल्म वापस लौटा देगी, क्योंकि रिपोर्ट्स की आप फोटोकॉपी भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर आपके कोई फार्मेसी के बिल है तो आपको ओरिजिनल फार्मेसी के बिल सबमिट कराने होंगे, साथ ही उस फार्मेसी का प्रिस्क्रिप्शन भी आपको TPA या इंश्योरेंस कंपनी में ओरिजिनल सबमिट कराना होगा। ध्यान रखें, जो भी आप फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी और पेमेंट की रिसिप्ट जो भी आप TPA में सबमिट करा रहे हैं उस पर हॉस्पिटल के साइन और स्टैम्प ज़रूर होने चाहिए, साथ ही हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एक फोटोकॉपी भी आपको TPA या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कराना होगा। हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन डेस्क से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद पेशेंट का कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ आपको सबमिट कराना है। अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 लाख या उससे ज़्यादा का है तो जो मेन पॉलिसी होल्डर है यानी जिसके नाम की पॉलिसी है उसका एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी, और साथ ही जो मेन पॉलिसी होल्डर है जिनका नाम से पॉलिसी है उनका एक बैंक का प्रूफ यानी उनका बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी या फिर उनके कैंसिल चेक की फोटोकॉपी या ओरिजिनल आपको सबमिट करना है। ध्यान रखें, अगर आप कैंसिल चेक की फोटोकॉपी अगर आप सबमिट कराते हैं तो उसमें कैंसिल चेक पे बैंक का अकाउंट का नंबर बिल्कुल साफ होना चाहिए और IFC कोड भी साफ लिखा होना चाहिए, और साथ में कैंसिल चेक पर बैंक होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम भी लिखा होना चाहिए। अगर आप हो सके तो कोशिश करें आप अपना ओरिजिनल कैंसिल चेक ही सबमिट कराएँ।
सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको इनके एक एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, ताकि जब आप फिज़िकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएं इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए में, तो आप उन पर रिसीविंग ले सकें। रिसीविंग एक प्रूफ होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट आपको अपने टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कराया है। इन फ्यूचर अगर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए अगर आप कोई क्वेरी रेज करती है कि आपके ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप उन फोटोकॉपी में चेक करके आप उनको दिखा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने मोबाइल या पीसी में सेव कर लीजिए। अगर आपका मेडिकल कार्ड टीपीए द्वारा जनरेट हुआ है, तो आपको अपना मेडिकल का डॉक्यूमेंट टीपीए के एड्रेस में भेजना है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जनरेट हुआ है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना है। टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस जो है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आपको अपने डॉक्यूमेंट सही एड्रेस पर भेजने हैं। आपका जो मेडिकल कार्ड है उसके जो फर्स्ट पेज पे जिस भी कंपनी का नाम लिखा है, आपको उस कंपनी का नाम गूगल पे सर्च करना है। जो एड्रेस आपके नियर बाई है, आपको उसी एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट को भेजना है। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी या टीबी का एड्रेस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उनका एड्रेस भी बता दूंगा। क्लेम रिसीव होने के नॉर्मली 25 दिन के अंदर आपका अमाउंट पास हो जाता है, लेकिन अगर आपके क्लेम में कोई क्वेरी है तो ये टाइम बढ़ भी सकता है। तो आप डे टू डे अपने क्लेम के स्टेटस चेक करते रहें, और आपका क्लेम की कोई क्वेरी है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।